सो ही गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलेन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, दिल्ली सरकार योजना की तरफ से न्यू लिंक फाइनली अपडेट कर दिया गया है, लेकिन काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करते समय चेक बुक अपलोड करना होता है, तो काफ़ी लोगों के पास चेक बुक नहीं है। तो काफ़ी लोग ये जानना चाह रहे थे, क्या हम चेक बुक हमारे पास नहीं है तो हम चेक बुक की जगह पे पासबुक के फ्रंट पेज हम अपलोड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे पासबुक अपलोड कर चुका है, तो आज हम इसी के बारे में बात करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दिल्ली में कोरोना की कहर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑटो टैक्सी चालक को 5-5 हज़ार रुपये देने की घोषणा की थी। अब फाइनली जिन्हें पिछले साल मिला था उन्हें 5-5 हज़ार रुपये ऑटो टैक्सी चालक को मिल भी चुका है, लेकिन जिन लोगों को नहीं मिला है, दिल्ली सहायता की तरफ से जो लिंक अपडेट किया गया है उस लिंक पर अप्लाई कर रहे हैं। अब अप्लाई करते समय काफ़ी सारे टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ रहा है, तो उसी बीच यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे चेक बुक अपलोड करना होता है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं और काफ़ी लोगों के पास यहाँ पे चेक बुक नहीं है, तो लोग सोच रहे हैं, सर यदि हमारे पास चेक बुक नहीं है तो हम क्या करेंगे, चेक बुक के जगह पे हम पासबुक अपलोड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी यूट्यूबर यहाँ पर ऐसे हैं जो उन्होंने ये बताया है कि यदि हमारे पास चेक बुक नहीं है तो हम पासबुक अपलोड कर सकते हैं। तो दरअसल मैंने फिर से इसके बारे में जानकारी लेने के लिए मैंने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया, तो वहाँ से फुल डिटेल्स में यहाँ पर ये पता चला, चेक बुक की जगह पे पासबुक अपलोड हम नहीं कर सकते। मैंने बोला, सर कुछ लोग तो बता रहे हैं कि चेक बुक की जगह पे पासबुक आप अपलोड कर सकते हैं। वहाँ से बताया गया, सर ऐसा हमारे पास कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है, तो आप लोगों को मैं क्लियर बता देता हूँ, चेक बुक की जगह पे आप पासबुक अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह का अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं किया गया है। यदि आपके पास चेक बुक नहीं है तो आप लोग यहाँ पे पासबुक अपलोड करके सबमिट कर देंगे, यदि आप सबमिट कर देते हैं तो आपको फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है और 5 हज़ार रुपये आपको नहीं मिलेगा, और आपको यहाँ पे वेट करना है। अभी जो फिलहाल में जो लिंक अपडेट किया गया दिल्ली सहायता योजना की तरफ से, वो साइट जो अभी टेस्टिंग पर चल रहा है, जब तक कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पर इस लिंक को अपडेट नहीं किया जाता जब तक आप लोगों को अप्लाई नहीं करना है। नहीं तो आप लोगों को फॉर्म अप्लाई कर देते हैं या सबमिट कर भी लेते हैं अदर लिंक से, तो यहाँ पे आपको अप्रूवल मिल भी सकता है न भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है कि आपको नहीं ही मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।